छोड़वा दी और इसके बाद घर का काम करेंगे। किचन आपको दिखा चुके हैं, किचन का काम करेंगे, किचन साफ करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर नहाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो गाइस ये सब सामान रखा है। एक तो थोड़ा सा आप लोगों को ये पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, गली है, घर के पीछे भी है, फ्रंट पे भी रोड है। तो मेरा घर जो है टू साइड है, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती हैं। सब्ज़ी बिक रही है, तो ये टमाटर हो गए, ये देखिए लहसुन रखा है, ये सारी अदरक है, कई जगह रखी है। और ये सब अब हम करेंगे फ्री टाइम में बैठ करके, खाना बनाने के बाद में ये सब अदरक लहसुन छील काट के रखेंगे। तो गाइज खाना बनाने की तैयारी हो रही है। रात की दाल है चने की, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देंगे, रोटी चावल हो जाएगा। तो ये डियर हमारा खाना हो जाएगा दोपहर का आज। और देखिए ये सब सामान आया रखा ना, ये हरा पुदीना है, इसको साफ करके सुखा के रख लेंगे। इसमें रही हरा धनिया, हरी मिर्च। तो गाइज़ इनको भी साफ़ करके थोड़ी, तो इसमें अभी हम यूज़ करेंगे सब्ज़ी के लिए, वो निकाल लेंगे और फिर रख देंगे, जो एक्स्ट्रा होगी वो रख देंगे फ्रिज में। मिर्चें हम ये धो करके सुखा लेंगे थोड़ा सा, जब इनका पानी सूख जाएगा तब फिर हम इनके सारे ये जो डंठल होते हैं ना, ये इसका ये सब तोड़ करके फिर हम इस डिब्बे में एक पेपर में करके रखते हैं। तो उससे मिर्चें हमारे एक डेढ़ महीना तक चला करते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, फ्रिज में रख देंगे। तो ये भी करने वाले हैं। प्लस ये देखिए इतना इतनी है, क्या है ये, और डियर ये भी पुदीना है, तो इसको भी फ्रेश है, पुदीना है, इसको भी साफ करके रख लेंगे। अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो ये सब ख़राब हो जाएगा। और ये आटा गूंधा रखा है, अभी थोड़ा है, थोड़ा और गूंध लेंगे। और ये अदरक लहसुन की शुरुआत करी थी लेकिन अभी छोड़ दिया था रात में, फिर अब ये आज दिन में जब किसी टाइम फ्री होंगे तो कर लेंगे। तो डियर आज अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज है शबरात का दिन, शब बारात, जिसमें हलवा बनता है, न्यास फातिहा लोग कराते हैं, होता है सबके घरों में ज़्यादातर। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं गाइस, क्या तैयारी करते हैं उसके लिए। खाना तो बनाना ही है, शाम में कुछ स्पेशल बनाएंगे। और कुछ किचन इस तरह से हो रहा है, काफ़ी फैला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए मैं साफ़ कर लिया है हरा धनिया, ये डाल देंगे सब्ज़ी में धो के काट करके, और ये साफ़ करके रख दिया। ऐसे आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। और ये हरे मिर्चे देखिए, ये धोने के बाद में तोड़िएगा, मतलब इसलिए, वरना फिर पानी अंदर चला जाता है तो मिर्चे सड़ जाते हैं जल्दी। तो ये हो गया, ये टमाटर रखे हैं, जा रहे हैं इनको भी थोड़े काटेंगे, दो टमाटर सिर्फ। तो गाइस ये देखिए डिब्बा साफ कर लिया, इसमें इस तरह से पेपर लगाएंगे ये, और ये हरे मिर्च चाहे जितना भी हो, अभी तो मेरे थोड़े हैं, थोड़े खत्म हो गए, मतलब फिर ला के रख लेंगे, बहुत सारे ला के रख लेते हैं हम। और इसको ऐसे करके कवर कर दीजिए, लेकिन मिर्चा एकदम सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहे तब। और बस इसको ऐसे करके डिब्बे को भी सूखा साफ रखिएगा, और ऐसे बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज गाइस तो ये रखे रहेंगे एक महीने तक, आपके मिर्चे ऐसे ही चलते रहेंगे। और हरा धनिया भी रख दीजिए, पेपर में लपेट के रख दीजिए। अगर डिब्बे में रखती हैं तो हरा धनिया को पेपर में कर दीजिए, और अगर ऐसे ही रखते हैं तो फिर पॉलीथीन में रख दीजिए। तो गाइस ये दाल रात की है चने की, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी, मेरी बेटी ने बनाई थी। और ये अब सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा सालन रखा है, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी, जैसा कि बताया वो घुल गए हैं आलू।
काम हो गया, बस अब रोटी डालने जा रहे हैं। खाना लगा बेटा, गाइज नहा चुके हैं, देखिए हमने नहा लिया है और बस अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर खाना खाएंगे। और ये मेरी जानमाज रखी हुई है, तो जा रहे हैं जानमाज बिछा लें और अब बाल बाद में सुखाएंगे, क्यों टाइम हो जाएगा, अजानें हो गई हैं जोहर की। क्यों गाइज अब सुबह से काम कर रहे हैं तो अब भूख भी लग रही है बहुत खस के, तो खाना भी खाएंगे इसलिए कि पहले नमाज़ पढ़ लें वरना फिर काहली आ जाती है। तो गाइज नमाज़ अदा कर लेते हैं इंशाल्लाह जोहर की। तो गाइज नमाज़ मेरी हो गई है जोहर की और अभी बाल गीले हैं ना, तो अभी अंदर कपड़ा बंधा हुआ है, बाल खुले हुए हैं पीछे, लेकिन खैर बांध लेते हैं उसको भी। और थोड़ा सा बहुत हल्का सा टचअप करेंगे, बहुत लाइट सा, कि अभी हमें शॉप में भी जाना है खाना खाने के बाद। तो बस गाइज अभी छोड़ दिए हैं, बाल गीले हैं बिल्कुल और अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब जा रहे हैं बस खाना खाने के लिए। मेरी नमाज भी हो गई, मेरा सारा काम हो गया है, हम हल्के फुल्के से रेडी भी हो गए हैं देखिए आप लोग, और बस अब खाना खाने के बाद में अब इंशाल्लाह शॉप में चले जाएंगे, शॉप में बैठेंगे, वहाँ पे स्वेटर बिनते रहेंगे, फ़ोन चलाएंगे अपना और कस्टमर डील करेंगे। अभी 3-4 तरह के काम में वहाँ बिजी रहेंगे, बस इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आगे बढ़ा दीजिएगा किसी को, अपने फैमिली मेम्बर्स में, नेबर्स में और फ्रेंड सर्कल में लोगों को दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। आज से हमने ये इंशाल्लाह अपना रूटीन शेयर करा है फर्स्ट टाइम, और मेरी कोशिश होगी कि अब हम दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को वीडियो देते रहें रूटीन का ही। तो गाइस ज़रूर आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हम भी आप सबको याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।